नमस्कार दोस्तों, NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट ICT आज हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज ICT, ICT का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें से क्वेश्चन पहले आए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हम ICT इन हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में ICT की क्या क्या भूमिका है ये भी जानने वाले हैं दोस्तों। इसमें से पहले क्वेश्चन आए हैं और 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि हम पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ICT क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर फुल फॉर्म पूछे गए करीब 3 से 4 बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में देखें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उपकरणों और संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, भवन प्रबंध प्रणाली, प्रसारण प्रणाली, यानी कि बहुत से इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, हम नियंत्रित कर सकते हैं, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी की जासूसी कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और बड़े बड़े भवन वगैरह बना सकते हैं ICT के जरिए कम्युनिकेशन करके, और प्रसारण यानी कि जो हमारा मीडिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ हम इससे कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों इन सभी के लिए जो संचार उपकरण और एप्लीकेशन जो यूज में लाई जाते हैं उसी को हम ICT कहते हैं दोस्तों। और इसमें ऐसा उत्पाद शामिल होता है जो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, रोबोट आदि जैसे डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है, उसको प्रबंधित कर सकता है, यानी कि इसमें बहुत से उपकरण होते हैं दोस्तों। और ICT को किसी विशेष तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ICT जो है वो एक लिमिट दायरे में नहीं है, उसका दायरा एक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है ICT का। क्योंकि ICT का उपयोग हम मोबाइल में भी करते हैं, फोन अपने कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, हर जगह इसका उपयोग करते हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे ICT का उपयोग ना होता हो, इसलिए इसको एक सीमित दायरे में करना मुश्किल है। और ICT में शामिल तरीके और एप्लीकेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे साथ विकसित होती हुई जा रही है, इसलिए इसको विकसित सीमित कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। और इससे हम एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि ICT क्या होता है। ICT के अंदर यही है दोस्तों कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और हमारे कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उनके द्वारा हम किसी चीज़ को नियंत्रित करते, निगरानी करते हैं, या फिर उसका अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और उनके लिए जो संचार उपकरण और एप्लीकेशन यूज होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, ICT कहा जा सकता है। और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है, यानी कि सर्विस इकोनॉमी का आधार है दोस्तों। ये देखिए, जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी टेक्नोलॉजी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, इतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी होगी। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर निर्धनता का अनुमूलन किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई गरीब लोग है उसको अच्छी अच्छी जानकारी दे के भाई आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं, तो वो गरीबी से निकल सकता है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। आज आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे जो यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब पर चीज़ें देख देख के आज वो पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं। तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी जानकारी
जानकारी होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण आता है, एम्पावरमेंट आती है। और इसके बाद में दोस्तों और देखें हम, सूचना तकनीक प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है, इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। अब देखिए जैसे पहले क्या होता था कि पहले हम ऑफलाइन पेमेंट करते थे तो वो हो सकता था किसी कोई कर्मचारी हमसे ज़्यादा पेमेंट ले लेता था किसी कार्यालय के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ज़्यादातर जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन होती है, तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, पारदर्शिता हमें मिल जाती है भाई हमने कितने पेमेंट दिए और उसकी कितनी रिसिप्ट में निकली है। प्रिंट आउट हमारे सामने उसी टाइम निकल के आ जाता है और ज़्यादातर पेमेंट हम अपने आप करते हैं, ये नहीं है कि किसी को देनी पड़ रही है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में सहायता होता है। यह नए रोजगारों का सृजन करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत नए रोजगार बन रहे हैं दोस्तों। इसके साथ आगे हम बात करते हैं दोस्तों, उच्च शिक्षा में आईसीटी की क्या भूमिका है, रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों आईसीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब आप देखिए जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह बंद पड़े हुए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा काम आया है वो है आईसीटी काम आया है दोस्तों। लोगों ने घर बैठे एजुकेशन ली है, वाइवा ली है, पीएचडी इंटरव्यू लिए हैं, बहुत कुछ काम किया घर बैठ के, और ये सारा का सारा दोस्तों हमारा आईसीटी के जरिए ही हो पाया है। तो हमारे हायर एजुकेशन के अंदर इसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, जैसा कि मान के चलिए इग्नू का ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन है, उससे क्या है कि लोग घर बैठे आसानी से अपने लेक्चर सुन सकते हैं टीवी के जरिए। टीवी पे उनका एजुसेट है इग्नू का, तो उनसे हम लेक्चर देख सकते हैं। सेलफोन है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, तो इन सभी चीज़ों से हम अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आज जैसे आप सभी को पता है कि हम घर बैठे YouTube के जरिए कितनी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, YouTube पे लेक्चर ले रहे हैं, YouTube पे स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरीके से Zoom पे वेबिनार वगैरह होते हैं, वहाँ से हम वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों आईसीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और एक और चीज़ दोस्तों ये क्या है कि ये जो आईसीटी है आज के टाइम में इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत कम रुपयों के अंदर हम बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आईसीटी के ज़रिए आज हम डिस्टेंस एजुकेशन से स्टडी कर रहे हैं, हम दूर बैठे अगर हमारी बुक्स मान के चलिए ऑफलाइन तरीके से नहीं आ रही है, ऑफलाइन आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, तो हम ऑनलाइन डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्लस में अगर हमें ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो हम वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आईसीटी का जितना बताया जाए उतना ही कम है दोस्तों, आईसीटी का बहुत ज़्यादा आज उपयोग हो रहा है अगर कोई इसका उपयोग करना चाहे तो। और उच्च शिक्षा में आईसीटी के अधिग्रहण से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती है, क्या क्या फायदा होता है। दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, वही बात आगे दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन की, दूर बैठे छात्र लेक्चर देख सकते हैं और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने में उनकी प्रक्रियाओं और अनुपालन मापदंडों में मजबूती मिलती है, इससे क्या है दोस्तों हमें पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर लगे हैं। और अभी जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जैसे कोई नौकरी लगती है उसका रिजल्ट आता तो पूरी सरकार जो है कि पूरी PDF दे देती है, भाई इस बच्चे के इंटरव्यू में इतने नंबर लगे, थ्योरी में इतने नंबर आए हैं, और जो इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके इतने नंबर लगे, तो पूरी की पूरी पारदर्शिता हमें दिखाई दे जाती है। इसी तरीके से हमें जब हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कितने कितने नंबर हमें हमारे लगे हैं। यह छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेबसाइट एनालिटिक्स और बोर्ड के ऑडिट के लिए सोशल मीडिया मैट्रिक्स का विश्लेषण करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यही चीज़ दोस्तों मैंने आपको बता दी कि छात्र के कितने नंबर आए हैं और कितने नंबर कहाँ कहाँ से काउंट हुए, वो सारी की सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं। इंटरनेट, वर्चुअल क्लासरूम, उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा सुविधाजनक बना दी गई है। वही चीज़ आ रही है दोस्तों घूम फिर के, वही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि दूर बैठे हम वर्चुअल क्लासरूम, एक जैसे जूम पे क्लास चलती है ना, 30-30, 40-40 स्टूडेंट एक साथ होते हैं, टीचर उसमें बताते हैं, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो वर्चुअल क्लासरूम आज क्रिएट हो गया है आईसीटी की वजह से, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। और अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये जैसे हमारे पास जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू। ये देखिए, इन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर एक है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर दो है इन्फॉर्मेशन एंड कोलाबरेटिव टेक्नोलॉजी, तो आईसीटी। ये देखिए आईसीटी है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है ये इन्होंने यहाँ पे गलत दी हुई है। आगे इन्फॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? राइट आंसर नंबर एक आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आईसीटी की फुल फॉर्म अच्छे से दी हुई होती तो आईसीटी इसका आंसर हम दे सकते थे। ये देखिए, ये 24/9/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में शामिल है। आईसीटी में क्या क्या शामिल है? ऑनलाइन अधिगम यानी कि ऑनलाइन लर्निंग करना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम करना, वेब आधारित अधिगम करना यानी कि वेबसाइट के जरिए पढ़ना, मोबाइल के जरिए पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आईसीटी के अंदर आती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन आया है। और इसके बाद में देखिए, मल्टीमीडिया के घटक है, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल आता है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये तीनों तरह की चीज़ें इसमें मल्टीमीडिया में आती है। और भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों आईसीटी से रिलेटेड, वो देखते हैं हम। और ये तो वो हो गया, रुकिए, ये भी वो हो गया, अलग क्वेश्चन है ये। आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है और इसके अंदर दो कथन दिए। कथन एक है, कक्षा शिक्षण में आईसीटी का उपयोग अधिगम परिणामों को प्रोन्नत करना तथा उन्हें अधिकतम बनाना है। यानी कि क्लास के अंदर जब हम आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या है कि अधिगम अच्छा बनता है और अधिगम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। जब जब हम आईसीटी का उपयोग करेंगे हमारी कक्षा के अंदर तो हमारा अधिगम यानी कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। नंबर दो है दोस्तों, स्वयं तथा मूक आदि जैसे अधिकतर ऑनलाइन विधियों में रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रभावी अनुपूरक बनाने की संभावना होती है। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे स्वयं चल रहा है, MOOC चल रहा है, भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका उपयोग जो हमारी पहले ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी उसको और प्रभावी बनाना उद्देश्य है इसका। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन एक और दो दोनों के दोनों सही है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, नए मीडिया के आगमन ने ऑनलाइन अधिगम को कैसा बना दिया है? स्वतंत्र बना दिया दोस्तों, सीधी सी बात है। यानी कि ऑनलाइन अधिगम में स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है, वो जब चाहे उसको पढ़ सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, बार बार सुन सकता है, यानी कि पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, किसी भी तरह से वो अपनी स्टडी कर सकता है। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन आया था, वो और मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फिर से इन्होंने दो कथन दे दिए हैं। ये 5/11/2020 को क्वेश्चन आया था इवनिंग शिफ्ट में, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से आईसीटी में पर्याप्त संभावनाएं हैं। यानी कि अधिगम परिणामों को, जो लर्निंग आउटकम है उसको अच्छा बनाने के लिए आईसीटी में बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत सही है कि जो लर्निंग परिणाम है उनको हम आईसीटी के जरिए बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अधिगम कर सकते हैं। आईसीटी में विविधता, लोचशीलता तथा मनोहरता को संवर्धित करती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आईसीटी के अंदर विविधता, विविधता मतलब हमारे पास अलग अलग वेराइटी है। मान के चलिए अब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे NTA UGC NET, तो आपको कम से कम 20 यूट्यूब चैनल निकल के आएंगे। तो अलग अलग चीज़ें हमारे पास बहुत ऑप्शन है आईसीटी के अंदर पढ़ने के लिए। लोचशीलता यानी कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, जब चाहे उसको वीडियो को रोक सकते हैं, जब चाहे उसको चला सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर है मनोहरता, यानी कि मनोहरता का मतलब है कि उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, कोई मजाक के तरीके से पढ़ा रहा है या फिर कोई ग्राफिक्स दिखा रहा है उसके अंदर, तो बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा आईसीटी के ज़रिए। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और आर दोनों के दोनों ऑप्शन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और देख लेते दोस्तों और इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो। दोस्तों अगर आप देखिए 2012 से लेकर 2020
20 तक क्वेश्चन पेपर करते हैं सभी, तो आपका बिल्कुल अच्छे से नेट और जेआरएफ क्लियर हो सकता है। और दोस्तों हमने 2012 से लेके 20 तक सभी टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग कर रखे हैं, जैसे कि आईसीटी के जो भी क्वेश्चन आए आज तक वो अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है, सभी क्वेश्चन हमने अलग अलग कर रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप वो नोट्स लेना चाहें, क्वेश्चन पेपर लेना चाहें, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।